हर गंगे। हरिद्वार, हर की पैड़ी का नज़ारा आप देख सकते हैं। 11 जून 2021, ये देखिए दोस्तों आज का ताज़ा नज़ारा। दिन प्रतिदिन श्रद्धालु यहाँ पहुँचते जा रहे हैं और भीड़ बढ़ती जा रही है, ये देखिए आप। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का मार्केट, देखिए आप क्या क्या खुला है क्या नहीं, देखते हैं तो चलते हैं फिर आगे। ये है परमकुंड, इस तरफ आप देख सकते हैं। गंगा मैया की जय। देखें और हम इस समय इस संजय पुल पे हैं, तो आप देख सकते हैं, आपको ले जाते हैं मार्केट की तरफ। तो आप देख सकते हैं ऑटो रिक्शा सब चालू हो चुके हैं, देखिए आप ई रिक्शा, नॉर्मल रिक्शा देख सकते हैं आप। और आपको ले चलते हैं मार्केट की तरफ, आपको हम यहाँ की हरिद्वार की गलियों की मार्केट आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए आप मोहनपुरी, मोहन जी पूरी वाले, ये बहुत फेमस है यहाँ पे और हर की पौड़ी के सामने ही है, देख सकते हैं आप हर की पौड़ी का गंगा द्वार। और ये देखिए आप यहाँ की आप मार्केट देख सकते हैं आप। होटल खुल चुके हैं, देखिए तंदूरी, तंदूरी रोटी, देखिए आप। और ये देख सकते हैं आप मार्केट, और देखिए आप रिक्शा भी चल रहे हैं। देखिए आप दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ का मार्केट लगभग खुल चुका है। देखिए आपको अगर दिए, घंटियाँ, बड़े दिए तो आप ले सकते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे चंदन की लकड़ियाँ हैं, शंख हैं। यहाँ पे किताबें हैं, ये देखिए आप, आपको यहाँ पे हर प्रकार की किताबें मिलेंगी। रत्न साफ, ब्राह्मण, गोत्रावली, लाल किताब, चाणक्य नीति, एक्यूप्रेशर, जन्म से पहले मृत्यु के बाद, भृगु संहिता, जीत आपकी, मनुस्मृति, देख सकते हैं आप, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, बहुत सारी किताबें हैं। आप अगर आप पे रुचि, धार्मिक रुचि है तो आप यहाँ से किताब ले सकते हैं। और आगे चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए चंदन की लकड़ियाँ हैं, टीका लगाने काम आता है। बोल मोदी भगवान की जय। देखिए बोल मोदी भगवान की जय। देखिए मूर्तियाँ भी हैं यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ का मार्केट। आप आ सकते हैं अगर आप आना चाहते हैं तो घूमने के लिए। देखिए भैया।
ये देख सकते हैं आप, हर प्रकार का आपको सामान मिल जाएगा यहाँ पे, मालाएं, सिंदूर, कड़ी, देखिए ये देखिए आप, महिलाओं के लिए स्पेशल चूड़ियों का सामान, अलग अलग प्रकार की चूड़ियाँ हैं देख सकते हैं आप, ये भी चूड़ियों की दुकान है। ये देखिए आप आगे पूरा मार्केट, जब मैं आपको दिखाता हूँ, ये कपड़ों की दुकान है, यहाँ पे आपको आसन, धोती, कुर्ते वगैरह आपको मिल सकते हैं यहाँ पे। ये बच्चों के लिए खिलौने देखिए, शंख, चंदन, केसरी, मरहम, लाल टीका, यहाँ पे सॉल स्टॉल आपको दिख सकते हैं, आप ले सकते हैं यहाँ पे। ये किताब है, बहुत फेमस किताब है गीता प्रेस की, यहाँ पे किताबें मिलती हैं। देखिए आप, कर्म सिंह और अमर सिंह के नाम से बहुत फेमस दुकान है, जो पुस्तकें आपको कहीं नहीं मिलेगी, आपको पुस्तकें यहाँ पे मिल जाएंगी। और देख सकते हैं एक्यूप्रेशर का सामान, और सामने मूर्तियाँ हैं, टीके हैं, मालाएं हैं, कड़े हैं, चूड़ियाँ हैं, द्राक्ष की मालाएं हैं, आप देख सकते हैं। देखिए आप, तो लगभग पूरा मार्केट खुला हुआ है, अगर आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। आपको बता दूं कि अभी चारधाम यात्रा की कोई अपडेट नहीं आई है, अगर अपडेट आती है तो हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हर की पौड़ी का नाई घाट के सामने का नज़ारा आप देख सकते हैं, और श्रद्धालु दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि 15 जून तक लास्ट कोरोना कर्फ्यू है, अगर केस बढ़ते हैं तो सरकार क्या करती है उसके बाद कुछ पाबंदी करेगी, अगर केस कम आते हैं तो थोड़ा बहुत और ढील दी जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और लोग यहाँ पे स्नान के लिए भारी से भारी संख्या में पहुँच रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए आप दोस्तों, अगर आप आते हैं तो आप मास्क का प्रयोग करें, सुरक्षा अपने हाथ में है। ये देखिए आप, और कैसे आना है, कब आएँ, कहाँ रुकें, होटल खुले हैं कि नहीं खुले हैं, ये मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज खुला हुआ है 11 जून को, कल बंद रहेगा, मतलब पूरे दिन नहीं खुलेगा, 12 बजे तक खुलेगा, उसके बाद फिर दुकानें बंद हो जाएंगी, और परसों फिर पूरा खुलेगा शाम के 5 बजे तक। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं तो आप अपने साथ RT-PCR की रिपोर्ट ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि बॉर्डर पर चेक हो रही है, अगर जिनके पास है उनको आने दिया जा रहा है, और जिनके पास नहीं है तो उनको वापस भेज दिया जा रहा है। तो आप आना चाहते हैं तो आप ज़रूर बना के आएँ, वो मात्र 28 रुपये की बन जाती है सरकारी अस्पतालों में। तो अगर आप आना चाहते हैं तो आप ज़रूर अपना टेस्ट करवाएं एक बार, और तो हरिद्वार आएँ घूमने के लिए, गंगा किनारे माँ गंगा के आप दर्शन करें, गंगा किनारा बैठ के आप आनंद ले सकते हैं, सुकून। देखिए आप, और जून का महीना लोग स्नान के लिए यहाँ पहुँचते ही हैं, तो कुछ आनंद ही अलग होता है गंगा किनारे बैठने का। ये देखिए आप, ये घंटाघर है, राजा बिरला के नाम से जाना जाता है, राजा बिरला टावर।